वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं अवैध तरीके से किए जा रहे शिकार पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वन परिक्षेत्र अधिकारी पवई शिशुपाल अहिरवार द्वारा चलाए जा रहे गश्त एवं सर्चिंग अभियान के दौरान वन्य प्राणियों के शिकार के लिए फंदा लगाने वाले एक आरोपी रामलाल पटेल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाकर न्यायालय में पेश किया। सर्चिंग के दौरान आरोपी के खेत से क्लिच वायर के फंदे एवं जीआई तार बरामद किए। ये वन परिक्षेत्र पवई की दक्षिण पवई बीट करके है, उसका कंपार्टमेंट है 630, उसमें सिल्वर चांद फाल के पास में रामलाल पटेल का खेत करके है। तो अपनी बागड़ में करीब 20 फंदे वन प्राणियों के शिकार हेतु लगाए हुए था और 3 फंदे करीब उसकी झोपड़ी से मिले हैं। मौके से उससे पूछताछ किया है तो बताया कि फसल को नुकसान करने आने वाले वन प्राणियों को मारने के लिए हम फंदे लगाए। मौके से उसने अपना जुर्म कबूल किया और जब्ती करके। हाँ, ये एक्चुअली जो 19/12/2017 को जो तेंदुआ का घटना हुआ था उससे हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। तो श्रीमान वन मंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना और वन मंडलाधिकारी पवई के निर्देशन में हम लोग सतत खेतों की बागड़, जल स्रोतों की निगरानी और विद्युत लाइन की निगरानी की चेकिंग कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये हादसा हमको पाया गया। नहीं, बीच बीच में कटाइयों का तो ठीक है, कटाइयों के लिए हम विधिवत बीट निरीक्षण हो रहे हैं हमारे, और जहां भी प्रकरण सामने आता है तो उन पर कार्रवाई की जाती है, जब्त की जाती है। और यहां पर कटाई की समस्या तो वैसे नहीं है, ना के बराबर कटाई। पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट।